Hope you all are fine. Students, today we will do maths, okay? So, first of all, take out your tea leaves and in that, take out page number 93, okay? We will continue our exercise 2.3, okay students? Today we will do question number 3 and 4, okay? So, first of all, we will do question number 3, okay? And you have to write with me, you have to do with me students, okay? So, the question is, write the following numbers in expanded form. आपको किस form में लिखने हैं numbers को? Expanded form. Expanded means उसको expand करके लिखना. मैंने आपको पहले भी बताया था expanded form के बारे में थोड़ा सा. ठीक है? कोई भी number होता है उसको expand करके लिखना. For example, अगर आपके पास two digit number है, like 1414, तो आप इसको expanded form में कैसे लिखोगे students? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये 4 वंस प्लेस पर है एंड ये 1 किस प्लेस पर है? टेंस प्लेस पर है. ओके? सो अगर इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है यहाँ पर? टेंस प्लेस. 1 जो है वो टेंस प्लेस पर है एंड 110 मीन्स 10 वंस. ओके? सो टेंस प्लेस पर 1 है तो 1 लिखने के बाद उसके पीछे जितने भी डिजिट्स होते हैं उतनी जीरोज आपको लिखनी होती है. ओके? सो 110 मींस 10. 110 में कितनी जीरोज होती है? 10 में कितनी जीरोज होती है? 10. तो 1 लिख के आपको 10 यहां पर लिखनी है. ओके? देन प्लस 4. 4 तो वंस प्लेस पर है तो 4 के साथ कोई भी जीरो नहीं लिखनी है. दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर 14. ये तो 2 डिजिट नंबर था. अभी हम 3 डिजिट नंबर्स का करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म स्टूडेंट्स. ओके? अभी आपको सीखना है कि कैसे करना है. सी फर्स्ट नंबर है 486. 486 इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. ओके? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये 6 कौन से प्लेस पर है स्टूडेंट्स? वंस प्लेस पर. दिस 8 इज एट टेंस प्लेस एंड दिस 4 इज एट 100 प्लेस. ओके? ये तो आपको पता है. अभी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए नंबर को हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं. 486. 400 यानी सी सबसे पहले ये जो 4 है ये कौन से प्लेस पर है? 100 के प्लेस पर. और 100 में कितनी जीरोज होती हैं? वेरी गुड, 2 जीरोज. 100 में कितनी जीरोज होती हैं स्टूडेंट्स? 2 जीरोज. तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? 4 लिखने के बाद कितनी जीरोज आएंगी? 2 जीरोज आएंगी, क्योंकि 100 में कितनी जीरोज होती हैं? 100 प्लेस पर है ना ये. 100 में 2 जीरोज होती हैं. ठीक है? और आप ऐसे भी कर सकते हो कि 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2. तो 2 जीरोज आएंगी 4 के बाद. ओके? फिर यहाँ पर क्या आएगा नेक्स्ट? टेंस प्लेस. टेंस प्लेस पर क्या है? 8. ठीक है? और टेंस प्लेस पर 8 है और टेंस में कितनी जीरोज होती हैं? 10. ओके? और आपको यहाँ पर सेकंड बॉक्स में 8 लिख के कितनी जीरोज लगानी है स्टूडेंट्स? 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट. तो 10. टेंस में वैसे भी 10 ही होती है. ओके? उसके बाद लास्ट 6. 6 कौन से प्लेस पर है? वंस प्लेस पर. ठीक है? और उसके साथ कोई भी जीरो नहीं आएगी, ओनली 6. ठीक है? अभी देखो मैंने इसे नंबर को कैसे बोला, 486. 486. 486 आपको ऐसे लिखना है. ओके? एक्सपेंडेड फॉर्म. दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, 721. नाउ यू नो दिस इज एट वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस. तो सबसे पहले 100 प्लेस का करना है. 100 प्लेस पर क्या है? 700. 700 कितने हंड्रेड्स हैं? 700. और 100 में कितनी जीरोज होती हैं? 2 जीरोज. 700. देन टेंस प्लेस, हियर वी हैव 2 टेंस. ओके? 2 टेंस मीन्स 20. ओके? 10 होती है ना 10 में. और आप ऐसे भी कर सकते हो, टेंस के बाद जितने डिजिट्स होंगे, 1 ही डिजिट है ना, तो उतनी जीरोज. देन वंस प्लेस पर क्या है स्टूडेंट? 1. तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है. सी 721. 721. ओके? इजी है स्टूडेंट्स? गुड. नेक्स्ट देखो 869. 869. अभी 100 के प्लेस पर 8 है, 800. ठीक है? तो 8 लिखने के बाद कितनी जीरोज आएंगी? 1 2. इसके पीछे 2 डिजिट है ना, तो 2 जीरोज. 800. ओके? देन 6 टेंस प्लेस पर है और टेंस में कितनी जीरोज होती हैं? 10. तो 6 लिखने के बाद आपको कितनी जीरोज लिखनी है स्टूडेंट्स? 10.
60, ओके, 6 के बाद 1 डिजिट है तो 10, देन 1's प्लेस पर 9 है तो यहाँ पर 9, कैसे बोला हमें इस, हमने इस नंबर को 869, ओके. नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, 345, अब यहाँ पर हमारे पास कितने हंड्रेड्स हैं, 3, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 300, 3 लिखने के बाद कितनी जीरोस आएंगी, जितने डिजिट्स हैं पीछे, देखो 1, 2 डिजिट्स हैं ना इसके पीछे, 3 के पीछे, तो 2 जीरोस, ओके, देन 4, 4 टेंस प्लेस पर है, 4 लिखने के बाद कितनी जीरोस आएंगी, 10, देन लास्ट में 5, 1's प्लेस पर 5 है ना, तो वो यहाँ पर लिखना है, ओके, 345, ओके स्टूडेंट्स, लास्ट देखिए 906, यहाँ पर 100 कितने हैं, 9, तो 9 लिख के कितनी जीरोस आएंगी, इसके पीछे कितने डिजिट्स हैं, 1, 2 जीरोस, और 100 में तो 2 जीरोस ही होती है ना स्टूडेंट्स, राइट, 900, देन 10's प्लेस पर 0 ही है, तो आपको सिंपल यहाँ पर 0 ही लिखना है, आप 2 जीरोस भी लिख सकते हो, ठीक है, 0, 0, देन 1's प्लेस पर 6, तो यहाँ पर आपको 6 लिखना है, 906, और 10's प्लेस पर 0 क्यों लिखा, क्योंकि 10's प्लेस पर कुछ भी नहीं है, 0 टेंस है, ओके, डन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, ओके, नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या सीखा, यस, नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है हमने वो सीखा, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म में लिखना है हमें, शॉर्ट फॉर्म में, सी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, ठीक है, नंबर की क्या दी है हमें, एक्सपेंडेड फॉर्म, और हमें कैसे लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में नंबर लिखना है, सिंपल, सी यहाँ पर देखो नंबर 1 में क्या लिखा है, ये ऑलरेडी आपके बुक में किया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन 580 and 6, इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ओके, तो कैसे लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, सी हियर वी हैव 500, ओके, तो 500 से तो आपको 5 लिखना है, ओके, देन यहाँ पर हमारे पास 80 है, 80 मीन्स 8 tens, हाउ मेनी tens, 8 tens, ठीक है, तो यहाँ पर tens प्लेस पर आपको 8, देन 1's प्लेस पर यहाँ पर 6 ही है, ओके, इसको एक साथ लिखते हैं 86, आपको कैसे बोलना है, 586, 586, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स शॉर्ट फॉर्म, ओके, सी नेक्स्ट देखो 640, देन 4, ओके, इन दोनों को तो एक साथ ही लिखते हैं, यहाँ पर 600 है, ठीक है, 600 है तो आपको यहाँ पर सिर्फ 6 लिखना है, ओके स्टूडेंट्स, देन यहाँ पर 4 टेंस हैं, कितने टेंस हैं, 4 टेंस हैं, देन राइट 4, देन 4 मंथ्स, 644, जैसे बोला नंबर को वैसे ही लिखना है, 644, ओके, सी 644, डन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अभी तो आप अपने आप कर सकते हो, सी 873, हियर वी हैव 800, तो ओनली 8, ठीक है, देन 7 tens, 73, 3 months, 873, आपको ऐसे लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, ओके, देन फोर्थ वन स्टूडेंट्स 370, फिर 9, चलो एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में बनाइए, 300 मीन्स यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 379, एक साथ लिखना है 79, ठीक है, 7979, ठीक है, हियर वी हैव 7 tens and 9 ones, ओके 379, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ई 198, सो हियर वी हैव 198 को एक साथ लिखना है, ओके, देन लास्ट 200, फिर 10, फिर 2, 200, 10 और 2 कितना होता है, 12 होता है, उसको एक साथ लिखते हैं, ओके स्टूडेंट्स, सी हियर वी हैव 200, सो आपको यहाँ पर 2 लिखना है, 10 मीन्स 110, हाउ मेनी tens, 110, तो ओनली 1 आपको लिखना है, देन यहाँ पर 2, 212, कैसे लिखना है, 212, ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सपेंडेड फॉर्म एंड क्वेश्चन नंबर 4
शॉर्ट फॉर्म, ये आपको अपनी ट्यूलिप्स में करना है स्टूडेंट्स, ओके अच्छे से सीखना है एक्सपेंडेड फॉर्म को एंड शॉर्ट फॉर्म को कैसे लिखते हैं, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।